हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है ऑटोमोबाइल का जो है पार्ट फोर दे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो है 1, 2, 3 नए देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्लेलिस्ट में प्रिपरेशन कर सकते हैं। BPSC MBI रिक्रूटमेंट लिखा है, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में आप वॉच कर सकते हैं वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जो है आप इस वीडियो को पूरे देखें, क्योंकि जो है ऐसे ही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना है फ्रेंड्स। तो ये पूरे वीडियो पूरे प्रश्न को वाच करें फ्रेंड्स, तभी जो है आप वहां पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अचीव कर पाएंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स ये पूरे वीडियो को और इस ऑब्जेक्टिव में पूरे समझाने की कोशिश की गई है हर तरह से फ्रेंड्स। और इसके अलावा फिजिक्स भी डाल रहा हूँ, तो भी प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देखें। और मैं लास्ट में जो है जो कमेंट करते हैं मैं जो है उनको जो है जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो लास्ट में नाम बताऊंगा कि क्या क्या स्टूडेंट जो है नाम मैं जो है स्टूडेंट का बताऊंगा जो कमेंट करते हैं, और जिनको जो है तुरंत रिप्ले जाती है तो उनका नाम मैं लेने वाला हूं लास्ट में। तो आप लोग देखते रहिए। चलिए चलते हैं। कार्टर कार्बोरेटर की क्या विशेषता है? तो कार्टर कार्बोरेटर पहले आपको समझना है फ्रेंड्स कि कार्टर कार्बोरेटर होता क्या है। तो कार्टर कार्बोरेटर कार्बोरेटर पहले ये जानते हैं कि कार्बोरेटर क्या होता है। तो कार्बोरेटर जो होता है ना वो हवा और द्रव का, ठीक है, एक सिंपल भाषा में बोले तो हवा और द्रव का जो है ईंधन का जो है ईंधन के लिए प्रयुक्त होता है। हवा और द्रव का एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसको जो है कार्बोरेटर में क्या होता है, हवा और द्रव का जो है एक मिश्रण होता है, यह जो है ईंधन के रूप में काम आता है, ठीक है। तो ये कार्बोरेटर में होता है। और कार्टर कार्बोरेटर की बात बोले फ्रेंड्स तो ये जो है जीट के लिए जो है यूज़ किया जाता है। पर एग्ज़ाम में आएगा कि कार्टर कार्बोरेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो है जीट के लिए प्रयोग किया जाता है, GET जीट के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके यूज़ में लाया जाता है। और जो है जीट कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझना है। तो जीट जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो एस्केलेटिंग जीट आपको पहला है, एस्केलेटिंग जीट पहला, दूसरा है मेन जीट, तीसरा है स्टार्टर जीट, चौथा है कॉम्पेंसेटिंग जीट, कॉम्पेंसेटिंग जीट। तो ये जो है 4 प्रकार का जीट है। पहला आप सुन लीजिए फिर से, एस्केलेटिंग जीट, दूसरा मेन जीट, तीसरा स्टार्टर जीट और चौथा कॉम्पेंसेटिंग जीट। ये जो है 4 प्रकार का जीट होता है। और जो है कार्टर कार्बोरेटर जो है जीट के यूज़ में काम आता है, कार्टर कार्बोरेटर, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या प्रश्न है कि कार्टर कार्बोरेटर की क्या विशेषता है? तो अस्टार्टिक प्रणाली। दूसरा में बताए थे क्या, पहला में बताए थे एस्केलेटिंग जीट, दूसरा में मेन जीट, तीसरा में क्या बताए थे स्टार्टिंग, और चौथा में बताए थे कॉम्पेंसेटिंग, यानी कि कार्टर कार्बोरेटर की इसमें कोई नहीं, स्टेटिंग प्रणाली में जो है विशेषता क्या है स्टेटिंग प्रणाली की, यानी कि तीसरा वाला की, मेन जीट, एक्सलेटरिंग जीट, मेन जीट, उसके बाद में स्टेटिक, यानी कि स्टेटिंग इसी से बना है जीट, उसके बाद कॉम्पेंसेटिंग जीट, यानी कि इसमें कुछ नहीं दिया है तो स्टेटिंग जीट दिया है, तो इसी के एक विशेषता है, तो आपको याद रखना है। और कार्टर कार्बोनाली जीट के प्रयोग में काम आता है। दूसरा है कि डिजिटल फिल्टर का प्रयोग होता है। डिजिटल फिल्टर का प्रयोग कैसा होता है फ्रेंड? देखिए डिजिटल फिल्टर ऐसा होता है, चित्र में आपको आप देख रहे हैं फिर भी चित्र बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल में जाते होंगे बताते हैं, तो ये जो है तेल में अशुद्धि जो रहता है ना उसको छानने का जो है ना काम करता है, फ्यूल को जो है ना रिफाइनरी करता है। अगर इसमें जो है हवा जम गया, ये जो है बल्ब जो है जाम हो गया, तो इसमें क्या होगा ना, इसे जाम होने से क्या होता है, ईंधन जो है आप अगर भराइएगा मोटरसाइकिल में तो आप जो है 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाइएगा, 100 रुपया का तेल डलाइएगा और तुरंत जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यही जो है हवा का फिल्टर करता है, ये तेल को फ्यूल को जो है ना फिल्टर करता है, ये इसके जाम होने से जो है ईंधन की खपत में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। तो जो है डीजल फिल्टर का काम होता है कि फ्यूल को जो है फिल्टर करना, ठीक है, ये जाम हो जाएगा तो फ्यूल फिल्टर नहीं होगा और जो उसमें कचरा जम जाएगा तो जो है फ्यूल जो है ज़्यादा खपत होने लगेगा, तो आपको याद रखना है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है अब इसमें प्रश्न है कि डीजल फिल्टर का प्रयोग कहाँ होता है।
हाँ फ्रेंड, तो इसका काम क्या होता है कि डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है किसके साथ में, तो डीजल पाइप के लाइनों में जो है ये लगा रहता है, और ये तेल को क्या करता है, छनन करता है, फ्यूल को जो है ये फिल्टर करता है। अगर ये जाम हो गया तो फ्यूल की खपत जो है बढ़ जाएगी, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर गेज का क्या कार्य है। टेम्परेचर गेज को जो है देखिए इस प्रकार का होता है, तो ये जो है इंजन के ताप को क्या करता है, दर्शाता है। और एक दिन फ्रेंड्स सारे प्रश्न को जो है हम रिविज़न करवाएंगे, तो जो है आप मेरे चैनल को जो है ये मेरे प्रिपरेशन अपने प्रिपरेशन पर जो है ध्यान दीजिए, और जो है पूरे पूरे वीडियो को देखिए। तो क्या है टेम्परेचर गेज का क्या कार्य है, तो इंजन जो है के ताप को जो है दर्शाता है, किताब लिखा गया है इंजन ताप को जो है दर्शाता है, इंजन ताप को क्या करता है, दर्शाता है। आप लोग इस पर शब्द पर ध्यान मत दीजिए फ्रेंड्स, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आप लोग जो है एक अच्छा प्रश्न बने, एक सही प्रश्न बने, सुटेबल प्रश्न बने, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तो क्या पढ़ाए थे कि टेम्परेचर गेज का क्या क्या होता है, तो इंजन के जो ताप को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है कि रेडिएटर प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं, तो रेडिएटर बनाए जाते हैं किस धातु के, तो तांबा के बनाए जाते हैं और पीतल के भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाइग्रोमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापने वाला क्या मापते हैं फ्रेंड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं, यानी कि हम बोले घनत्व को, तो ये भी गलत नहीं होगा, यानी कि हाइग्रोमीटर से घनत्व को भी माप सकते हैं। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है कि बैटरी की शक्ति किन बातों पर निर्भर करती है, तो बैटरी की शक्ति अगर हम बताएं तो बैटरी की शक्ति जो है वो सेलों की संख्या पर और सेलों के जो है प्लेटों पर निर्भर करती है, यानी कि हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कौन सा तेल डाला जाता है, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स में आपको बता देते हैं कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जो है SAE गियर ऑयल डाला जाता है, ठीक है। और SEE गियर क्या होता है, इसके पूरा नाम हम जानते हैं, तो ये होता है सोसाइटी, है ना, सोसाइटी ऑटो इंजीनियर, है ना, सोसाइटी ऑटो इंजीनियर एक प्रकार का शुद्ध गियर ऑयल होता है फ्रेंड्स, 90% शुद्ध गियर ऑयल होता है, ये जो है डाला जाता है सोसाइटी ऑटो इंजीनियर, इसका फुल नेम भी एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कि इलियट टाइप फ्रंट एक्सल क्या होता है, तो इलियट टाइप फ्रंट एक्सल जो है युवाकार का होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। और जो है ये जो है एक इलियट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है, है ना, तो जो है इलियट जो है ना ये जो है किंग पिन के बीच लगा हुआ, किंग पिन को जो है इलियट के बीच में फिट किया जाता है, ठीक है, किंग पिन को जो है ना इलियट के बीच में क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और जो है इसका काम क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसको जो है कि गाड़ी के जो स्टीयरिंग होता है ना, गाड़ी के जो लेफ्ट और राइट करने में प्रश्न में आएगा कि इलियट टाइप द्वारा जो है क्या चीज़ की जो है सुविधा इलियट टाइप फ्रंट एक्सल के द्वारा किस चीज़ में सुविधा मिलती है, तो गाड़ी को लेफ्ट और राइट करने में सुविधा मिलती है, और किंग पिन के द्वारा इसे जोड़ा जाता है, और गाड़ी को लेफ्ट और राइट करने में इसे जो है इलियट पिन के द्वारा जो है हमें आसानी मिलती है, तो यही चीज़ याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और जो है इलियट पिन के खोज किसने किया था, एक बीच में किंग पिन के बीच में जो है एक स्टब में जो है इसको जोड़ा जाता है, किसमें, स्टब के बीच में जोड़ा जाता है, स्टब के बीच में जोड़ा जाता है, ये बातें आपको याद रखना है। फिर है कि लुब्रिकेशन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है, तो लुब्रिकेशन प्रणाली बताना है, तो जो है ये जो है फोर्सेड लुब्रिकेशन प्रणाली और स्प्लेस लुब्रिकेशन प्रणाली, ये दोनों प्रकार की प्रणाली होती है। और लुब्रिकेशन क्या होता है, एक संनेहक तेल होता है, आपको याद रखना है, लुब्रिकेशन में बोले तो संनेहक तेल, और संनेहक तेल में बोले तो ग्रीस बेगरा जो है ना ये संनेहक तेल में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है, तो आपको बताना है कि जो है कौन सा जो है फ्रंट एक्सल का टू साइड पिन,
ये जो है ना फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि इंजन ऑयल जो है भरने, इंजन ऑयल के भरने वाला भाग को क्या कहते हैं, तो ऑयल सम्प कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, ऑयल सम्प, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे जो है ऑयल सम्प कहते हैं। नेक्स्ट है कि इग्निशन के आधार पर इंजन के दो प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है तो कौन कौन होते हैं, तो ये जो थे कंटेंसा और क्या होते हैं डॉल्फिन, ये कौन कौन होते हैं आपको बताना है, तो कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी रखना है। तो हमारा जो है स्पार्क इग्निशन और कंप्रेसर इग्निशन, ये दो प्रकार का जो है इंजन होते हैं, इग्निशन इंजन। नेक्स्ट है कि इंजन में के कार्बोरेटर कौन कौन सी सेटिंग की जाती है, इंजन के कार्बोरेटर जो है कौन कौन सी सेटिंग की जाती है, तो आइडियल स्पीड सेटिंग, इस सेटिंग का नाम है आइडियल स्पीड सेटिंग। नेक्स्ट है कि समान डीजल टैंक की क्षमता कितनी होती है, तो आपको बताना है तो 40 लीटर होती है, ये सब पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंजेक्शन का कार्य क्या होता है, तो इंजेक्शन का क्या, यू इंजेक्शन नहीं, नीडल वाला सुइया देने वाला इंजेक्शन है, इंजन इंजेक्शन का कार्य क्या होता है, तो जो है कंट्रोल रोड को सीमित करके जो है कंट्रोल रोड को सीमित चाल देना, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, कंट्रोल रोड को जो है कंट्रोल रोड को सीमित चाल देना, यहाँ पर लिखा हुआ है सीमित चाल देना, आप लोग सुधार लीजिए, कंट्रोल रोड को सीमित चाल देना जो है इंजेक्शन का काज होता है। नेक्स्ट है कि वे गाड़ियाँ जिनके टाक कन्वर्टर फ्यूल फ्लाई व्हील लगे होते हुए कौन सी गाड़ियाँ कहलाते हैं, तो जो है लगे होते हुए क्या कहलाते हैं, तो वे जो है फ्यूल इसको कहते हैं फ्यूल ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस सन में सर्वप्रथम न्यूमेरिक टायर वाली मोटर गाड़ियाँ जो है, किस सन में सर्वप्रथम न्यूमेरिक टायर वाली मोटर गाड़ियाँ प्रयोग में लाए गए थे, ये जो है कम से कम 6 बार पूछा गया है फ्रेंड, याद रखिए। तो जो है 1920 में जो है न्यूमेरिक टायर वाली गाड़ियाँ लाए गए थे, देखिए न्यूमेरिक टायर है तो यही गाड़ियाँ लाई गई थी, न्यूमेरिक टायर है फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये न्यूमेरिक टायर है, यही जो है गाड़ियाँ लाई गई थी 1920 में जो है न्यूमेरिक टायर वाली गाड़ियाँ लाई गई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि टोयोटा कहाँ की कंपनी है, ये देख रहे हैं टोयोटा, ये जो है जापान की कंपनी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूके की कौन सी कंपनी गाड़ी है, तो जो ये तो कौन है, तो ये जो है ऑस्टिन और मोरिस, ये देखिए मेरिस है, और जो फ्रेंड्स मेरिस जो है अभी भारत में चलता है, जो कि एक ना ऐसा गाड़ी चलता है, नेता वे लोग जाते हैं मेरिस गाड़ी पे, और ये अच्छा गाड़ी है, तो ये जो है यूके की गाड़ी है, तो ये आपको याद रखना है, मेरिस और ऑस्टिन दोनों प्रकार की, लेकिन भारत में अभी मेरिस चलता है, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूएस की कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो यूएस के जो है फोर्ड भी है, ये देख रहे हैं फोर्ड, किसलर भी है ना, जनरल भी और मोटर्स भी, इसमें से सभी है, तो यही जो 30 जो हम देते हैं 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये VVI होता है जो हम डेली करवा रहे हैं, मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल का और साथ में फिजिक्स का, अब जो करवाने वाले हैं वो केमिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स में जो है, और पॉलिटिकल में, अब पॉलिटिकल करवाने वाले हैं या इकोनॉमिक्स, दोनों में से एक करवाएंगे फ्रेंड, जो कि VVI होगा, जो कि पंचवर्षीय योजना और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से जो है और इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो करवाने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी रिक्वायरमेंट्स अपडेट रहता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूं फ्रेंड्स, तो आप जो है इस मुझ पर विश्वास कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।